और दसों आधी रात में उंगने लगी, और जब आधी रात को धूम मची तो दसों जाग गई, और जब दसों जाग गई तो दसों अपनी मसाले जो हैं वो क्या करने लगी, तैयार करने लगी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 4 पद के दूसरे भाग में हैं, जहां पर 7 आत्माओं का वर्णन है। और वैसे प्रकाशित वाक्य का जो खंड है यह है 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। ये दूसरा खंड है जिसमें है 7 कलीसियाओं के नाम पत्र, और 4 पद के दूसरे भाग में है कि 7 आत्माओं के बारे में, कि 7 आत्माएं क्या हैं और किस तरीके से इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की वो 7 आत्माएं कार्य करती हैं, और हर एक इंसान को किस तरीके से अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति के द्वारा परिपूर्ण करती हैं। पिछले संदेश में हमने सीखा था बुद्धि की आत्मा के बारे में, आज हम सीखेंगे समझ की आत्मा के बारे में। सीखेंगे कि समझ की आत्मा क्या है और समझ की आत्मा किस तरीके से इस पृथ्वी के ऊपर कार्य करती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप परमेश्वर के वचन को समझना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा अपने कार्य को सिद्ध करे, अपने कार्य को परिपूर्ण करें, भविष्यवाणियां आप करें, आप बहुत से परमेश्वर के कामों को अंजाम दे सकें, तो बहुत ज्यादा जरूरी है परमेश्वर की इस समझ की आत्मा से परिपूर्ण होना। क्योंकि जब तक हमारे पास समझ नहीं होगी तब तक हम परमेश्वर के कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते हैं। और यही कारण होता है कि जब हम परमेश्वर की समझ की आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते हैं तो वचन को हम कितना भी पढ़ लें हमारे समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हमारे पास समझ की आत्मा नहीं है। हम परमेश्वर का वचन कहता कुछ है और हम समझते कुछ है। आज यही चीज है कि नीति वचन 3:5 में भी लिखा हुआ है, कई बार मैं इस पद को जरूर बताता हूं कि नीति वचन 3:5 को हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रख। जब हम अपनी समझ का सारा लेकर परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगते हैं, सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं और कहने लगते हैं, तो वहां जो होता है गड़बड़ी होती है। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के वचन की हमारे पास इतनी समझ है, हम दूसरों को समझाकर परमेश्वर के नजदीक ला रहे हैं। नहीं, परमेश्वर के नजदीक नहीं बल्कि परमेश्वर से बहुत दूर ले जा रहे हैं। हमारा जीवन तो दूर है परंतु हम दूसरे का जीवन भी दूर ले जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं और परमेश्वर हमें आशीष देगा। जब उसका अंत होता है, कार्य का अंत होता है, कार्य का समापन होता है, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर की कोई ब्लेसिंग हमको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? हमने तो परमेश्वर का कार्य करा, हमने तो परमेश्वर के कार्य को पूर्ण करा, हमें परमेश्वर की ओर से प्रतिफल क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने अपनी समझ का सहारा लिया, इसलिए परमेश्वर की ओर से हमें कोई प्रतिफल नहीं मिला। देखिए, जब परमेश्वर अपने कार्य को सिद्ध कराएगा, हम किसका कार्य कर रहे हैं? परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये बात को जाने कि हमें उस कार्य के लिए, जो भी हम कार्य कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने हमें चुना है या नहीं चुना है। सबसे पहले हम अपने चुनाव को जाने, हम अपनी बुलाहट को देखें कि परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया। पता चला कि परमेश्वर ने हमारी बुलाहट तो कुछ और है, पर जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है अपनी बुलाहट में, अपने कार्य के लिए, अपने कामों को सिद्ध करने के लिए, और हम कर कुछ रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं निर्गमन की किताब और उसका 31 अध्याय उसका 3रा पद है। जी हाँ, निर्गमन की किताब उसका 31 अध्याय उसके 3रे पद में इस प्रकार से लिखा है, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, ध्यान दीजिएगा, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करूंगा। ठीक है, यहां पर ये 4 प्रकार की प्रार्थना है, सॉरी 4 प्रकार की आत्मा है जिससे परमेश्वर कह रहा है कि मैं इनसे परिपूर्ण करूंगा। और यहां पर जो लास्ट पॉइंट है मैं बताना चाहूंगा इसी पद का, निर्गमन 31:3 का, सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा से परिपूर्ण करूंगा। सब प्रकार के कार्यों की, यानी जो भी कार्य अगर हम परमेश्वर के लिए खड़े कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए करते हैं, या परमेश्वर जिस कार्य के लिए हमें खड़ा करता है और हमें अपने कार्य में सम्मिलित करता है कि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करें, तो उससे पहले वो हमें अपनी समझ की आत्मा से परिपूर्ण करता है। हमें ये देखना है कि क्या हम परमेश्वर की समझ की आत्मा से परिपूर्ण है या नहीं है। हम नहीं होते हैं,
हमारे पास परमेश्वर की समझ की आत्मा नहीं होती है, तभी हम परमेश्वर के कार्य को जो हम करते हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हम परमेश्वर के लिए, चाहे एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, क्या हम परमेश्वर के लिए एक आत्मा को जीत पाते हैं? हम लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने प्रभु के लिए इतनी आत्माओं को जीती, मैंने प्रभु के लिए इतनी आत्माओं को इकट्ठा करा है, मैंने प्रभु के लिए इतनी आत्माएं बटोरी हैं। सही माने में देखा जाए जो ये कह रहे हैं उनकी आत्मा खुद नहीं बचती है, उनकी आत्मा खुद नहीं उद्धार पाई होती है, उनकी आत्मा खुद प्रभु में परिपूर्ण नहीं होती है, उनकी आत्मा खुद समझ की आत्मा से परिपूर्ण नहीं होती है। तो कैसे इस बात को मान लें? आप देखिए अय्यूब क्या कहता है, मेरे साथ निकाल सकते हैं अय्यूब 15 अध्याय और उसका 9 पद। बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये सात आत्मा जो है वो एक ही आत्मा है, और वो एक आत्मा अपने सात रूपों को किस तरीके से मनुष्य के अंदर प्रकट करके परमेश्वर के कार्य को पूरा करती है या परमेश्वर के कार्य को संपन्न कराती है। और जब हमारे द्वारा परमेश्वर की इन आत्माओं के द्वारा कार्य पूरे होते हैं, तब परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में प्रतिफल जो है वह हमें मिलता है। अय्यूब 15 अध्याय उसका 9 पद है, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते, तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं है। यह सवाल एलिपस ने अय्यूब से किया। देखिए बहुत ध्यान देने की बात है, यह सवाल जो है एलिपस जो है वो अय्यूब का एक बहुत परम मित्र है। और जब वो अय्यूब के पास आता है, जब अय्यूब उससे परमेश्वर की गुण और भेद भरी बातों को बताता है और उससे करता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, भाई तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते, तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं है। ऐसी कौन सी समझ की आत्मा है? हमारे अंदर भी समझ की आत्मा है, हम भी जानते हैं परमेश्वर के बारे में। आज एलिपस की तरह अगर देखें, बहुतों का जीवन दिखाई देता है। बहुत से लोग कहते हैं, अरे क्या सिर्फ वही पादरी जानता है, क्या हम नहीं जानते हैं? एक दूसरे के ऊपर छींटा कसी करना, नहीं, हम उनसे बेहतर हैं। जब तक हम एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश करते रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा हर एक रूप में, चाहे वो बुद्धि के रूप में हो, समझ के रूप में हो, परमेश्वर के ज्ञान के रूप में हो, भय के रूप में हो, हमारे नजदीक नहीं आ सकता और हमारे जीवन को अपने गुणों से नहीं भर सकता है। ये बड़े ध्यान देने की बात है, परमेश्वर का वचन कहता है। और यहां पर जब आप अय्यूब 16 अध्याय और 17 अध्याय को पढ़ेंगे, तो एलिपस को उत्तर देता है और वह बताता है। देखिए अब यहां एलिपस ने 15 अध्याय के 9 पद में क्या, ऐसा क्या जानता है, ऐसी कौन सी समझ की आत्मा है, ऐसा क्या है तेरे पास जो हमारे पास नहीं है। अब देखिए वहां पर जो है, ये 16-17 अध्याय को पढ़िएगा, मगर यहां पर मैं अय्यूब 17 का 4 पद पढ़ना चाहूंगा। क्या कहता है अय्यूब, तूने इनके मन को समझने से रोका, इस कारण तू इनको प्रबल ना होने देगा। कितनी बड़ी बात है कि तूने इनके मन को वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से बातचीत हो रही है अय्यूब की, कि तूने इनके एलिपस को के मन को जो है समझने से रोका। वो अय्यूब की बात को नहीं समझ सकते। देखिए जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जब वो बहुत परमेश्वर की आत्मा के इन सातों गुणों से परिपूर्ण होते हैं, या परमेश्वर की इन आत्मा सातों आत्माओं से भरे होते हैं, या परमेश्वर की आत्मा की कृपा दृष्टि इनके ऊपर होती है, या परमेश्वर हर एक प्रकार के कार्य इनसे लेना चाहता है, तो बहुत से लोग जो है उनकी बातों को समझ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है। इस संसार के लोग, इस संसार के तरीके से सोच और समझ रखने वाले, या अपनी समझ का सहारा लेने वाले, या संसारिक तरीके से सोचने समझने वाले लोग उनकी बात को कभी समझ ही नहीं सकते हैं। और यही बात जो थी अय्यूब के जीवन में थी, क्योंकि अय्यूब की जो समझ थी, जो सोच थी, वो परमेश्वर की समझ की आत्मा से परिपूर्ण थी, और वो जो कुछ भी सोचने और समझने वाली बात करता था परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर करता था। परंतु एलिपस जो था वो अलग तरीके से उसका दृष्टिकोण था, उसके दोस्तों का अलग तरीके से दृष्टिकोण था। जब आप अय्यूब को आखिर में जब आप पढ़ेंगे, तब परमेश्वर क्या कहता है कि मैं इनको कब क्षमा करूंगा, जब अय्यूब मेरा दास अय्यूब इनके लिए प्रार्थना करेगा। परमेश्वर नाराज हो गया था अय्यूब के इन तीनों दोस्तों से। तब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी, तब परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनकी समझ को रोके रखा था कि तो परमेश्वर, अब बहुत से ऐसे हम नहीं समझ पाते हैं,
बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर का वचन हम नहीं समझ पाते हैं, खासतौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में जब आप कहेंगे, मैंने बहुतों को यह कहते सुना कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमारी समझ में नहीं आती है। भाई जब आपके समझ में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक समझ में नहीं आती है तो आप परमेश्वर की आत्मा से कैसे परिपूर्ण है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया है, हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है, हम परमेश्वर की आत्मा से भरकर बात करते हैं, भाई हम कैसे मान ले, कैसे माने? जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा जिसने यूहन्ना को अपना आत्मा के द्वारा, अपने द्वारा जो है पूरा ज्ञान दिया है, और उसी वही आत्मा हमारे अंदर है, तो क्या वो हमें ज्ञान नहीं देगा? फिर हम ये कैसे कह देते हैं कि हमें तो समझ में नहीं आता, हम कैसे मसीह लोग हैं, हम कैसे अपने आप को मसीह कहते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर कमी है। उस कमी को दूर करें ताकि परमेश्वर के समझ की आत्मा हमारे अंदर आ सके और हम परमेश्वर के इन रहस्य को, इन गुण रहस्य को समझ सके और वो समझ की आत्मा हमें समझा सके। परमेश्वर का वचन जो कहता है, यहां एक बात और कहना चाहूंगा, मत्ती 13 अध्याय उसका 10 से 11 पद तक जब आप पढ़ेंगे, मत्ती 13 अध्याय उसका 10 से 11 पद तक, यहां देखिए समझ की आत्मा से परिपूर्ण है या नहीं है इसको समझने की बहुत जरूरत है। 10वें पद में लिखा, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? 11वां पद ध्यान दीजिएगा, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज की वेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं दी गई है। ध्यान दीजिएगा, हर एक कोई ये कहता है कि भाई हमें तो परमेश्वर के अपने भेद हम पर खोले हैं, हमें समझ की आत्मा दी है, भाई कैसे गए? यहाँ चेले क्या कह रहे हैं, चेले क्या कह रहे हैं, प्रभु यीशु तो दृष्टांतों में क्यों बात करता है? मगर प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि उनको समझ की, यानी भेदों को समझ की आत्मा नहीं दी गई है, तुमको दी गई है ताकि तुम परमेश्वर के उन भेदों को समझ सको, उस समझ की आत्मा से परिपूर्ण किए गए हो ताकि परमेश्वर के भेदों को समझ सको। जी हाँ, जिसे परमेश्वर ने अपने समझ की आत्मा से परिपूर्ण करा है वही परमेश्वर के भेदों को समझ सकता है और जान सकता है और सीख सकता है, और कोई नहीं सीख सकता है। अब यह देखना है कि हम अपने जीवन को जांचे, दूसरे के जीवन को नहीं, अपने जीवन को जांचे परखें कि हमारे पास परमेश्वर के समझ की आत्मा है या नहीं है। प्रभु ने आपको समझ की आत्मा को जो खोला है, बंद किया है, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि परमेश्वर प्रभु ने आपकी समझ को खोला हुआ है या बंद किया हुआ है। अगर जब ये पता चल जाता है कि परमेश्वर ने हमारी समझ की आत्मा को, हमारी समझ को खोल दिया है या उसे बंद किया हुआ है, तो अब हमें करना क्या है? यहाँ लूका 24 का 45 पद जरा पढ़ेंगे, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। यीशु जी उठने के बाद जब चेलों को दिखाई दिया, जब चेलों को दिखाई दिया, वो उसे समझ नहीं पाए, उसको देख नहीं पाए, और वो ये नहीं समझ पाए कि ये प्रभु है। देखिए, जिस प्रभु के साथ वो इतने वर्षों तक रहे, उसकी बातों को सुना, उसको उन्होंने देखा, वही प्रभु जब जीवित होकर उनके समक्ष आया तो वो नहीं उसको जान पाए। तब प्रभु ने जो पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए, यानी पवित्र शास्त्र की बातों को जानने के लिए उनसे पवित्र शास्त्र की बातें करी, जब पवित्र शास्त्र की बातें करी तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या करा, उनके अंदर समझ की आत्मा को डाला ताकि वो उन बातों को समझ सके। और जब उन्होंने उन बातों को समझ लिया, क्योंकि समझ की आत्मा के द्वारा प्रभु ने उनके क्या कहते हैं समझ को खोला, मगर क्या प्रभु ने आपकी समझ को खोला है? नहीं खोला। जो ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते हैं या परमेश्वर के वचन की समझ हम में नहीं है, खासतौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमारी समझ में नहीं आती, डैनियल की पुस्तक हमारी समझ में नहीं आती है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक हमारी समझ में नहीं आती है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपकी समझ की समझ को खोला नहीं है और आप में समझ की आत्मा परिपूर्ण नहीं है, नहीं की गई है। और इसलिए जब हम, हमारे पास समझ की आत्मा नहीं है और हम फिर बात करने लगते हैं वचन की, जब हम फिर अपनी तरफ से वचन को सुनाने लगते हैं और समझने लगते हैं, तो फिर मैं नीति वचन 3:5 कहूंगा कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले। हमें अपनी समझ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर पे संपूर्ण मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें समझ की आत्मा देगा, तब हम इन सारी भेदों को, पवित्र शास्त्र की बातों को, परमेश्वर की गुण बातों को समझ जाएंगे। आप यिर्मयाह जब
33 का 3 पढ़ेंगे ना, यर्मिया 33 का 3, तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, और कई जगह बाइबल में आया कि मुझे पुकार तब मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा, और जो कठिन बातें तू अभी नहीं समझता है उसे समझाऊंगा, उसे बताऊंगा। देखिए, जो परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग, मैं तुझे समझ की आत्मा दूंगा, और जो कठिन बातें हैं तो उसके पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के वचन में, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो परमेश्वर अपनी आत्मा से, बुद्धि की आत्मा से, अपने ज्ञान की आत्मा से, अपने समझ की आत्मा से परिपूर्ण करेगा, तो हम उन भेदों को समझ पाएंगे। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपनी समझ का जो है सारा ना ले। आप समझ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस समझ की आत्मा को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। अय्यूब 28 और उसका 12 और 20 पद है। देखिए, पहले 12 पद पढ़ूंगा, उसके बाद 20 पद पढ़ूंगा। 12 में पद में लिखा है, परंतु बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है। 20वां पद, फिर वही बात रिपीट की गई है, फिर बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है। एक ही अध्याय में दो बार ये बात रिपीट की गई है कि हम इस बात को सीखें। अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर हमें अय्यूब के द्वारा ये समझाना चाहता है कि हम ये समझें कि बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है। जब हम ये जान लेंगे कि बुद्धि कहां मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, और समझ का स्थान कहां पर है, कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है, तो हम उस चीज को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है। अय्यूब 28:28 पढ़ेंगे। जी हाँ, अय्यूब 28:28 निकाल लीजिएगा। यहां लिखा है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। देखिए, बुद्धि कहां मिल सकती है, परमेश्वर का भय मानना। इसलिए वो, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम बुद्धिमान होते हैं, हम बुद्धि से परिपूर्ण होते हैं। बुद्धि कहां मिल सकती, परमेश्वर के भय में। जब तक हम परमेश्वर के भय में हम नहीं जिएंगे, हमारा जीवन परमेश्वर के भय में नहीं होगा, हम परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का भय मानने से हमें बुद्धि मिल सकती है। और दूसरा है, समझ का स्थान कहाँ है। देखिए, बड़ी प्यारी बात लिखी, बुराई से दूर, अर्थात अच्छाई और भलाई में समझ का स्थान है। जब हम बुराई से रहते हैं, अय्यूब कहता ना, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। जब हम बुराई से दूर रहते हैं, देखिए, जब हम बुराई के पास रहेंगे, बुराई के स्थान में खड़े रहेंगे, बुराई के स्थान में खड़े होकर बुरी बुरी बातें सोचते रहेंगे, तो ये समझ लीजिए हमारे पास समझ का आत्मा नहीं आ सकता। जब हम बुराई से दूर रहकर अच्छाई और भलाई के स्थान में प्रवेश करते हैं, तो वहां समझ का आत्मा होता है। जो जैसे ही हम अच्छाई और भलाई में परिपूर्ण करते हैं, उसमें निवास करते हैं, तो समझ का आत्मा हमारे अंदर समा जाता है और परमेश्वर के कार्य को सिद्ध करने लगता है हमारे जीवन के द्वारा। अब यहाँ दाऊद जो है, दाऊद परमेश्वर से समझ मांगता है। ध्यान दीजिएगा, दाऊद जो है परमेश्वर से समझ मांगता है, और कैसे मांगता है, ये दो तीन पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा दाऊद के विषय में। और क्यों समझ मांग रहा है, किस बात के लिए समझ मांग रहा है। देखिए, भजन संहिता 119 का 34 पद जब आप पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, भजन संहिता 119 का 34, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। देखिए, सबसे पहले वो क्यों मांग रहा समझ, कि हम व्यवस्था, वो कहता है कि मैं व्यवस्था को पकड़े रहूं और अपने संपूर्ण मन से उसके ऊपर चलूं। हमें भी यही मानना है कि परमेश्वर हमें समझ दे ताकि हम तेरे वचन को पकड़े रहें और उसके अनुसार अपने जीवन को जी सकें। दूसरा पॉइंट है, भजन संहिता 119 का 73 पद है, यहां लिखा है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। अब क्या है, पर क्या मांग रहा है, मैं तेरे द्वारा बनाया गया हूं, प्रभु तूने मुझे रचा। जब तूने मुझे रचा है तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है, कि तूने मुझे अपने लिए बनाया, अपने लिए रचा है, इसलिए मुझे समझ दे कि मैं तेरी हर आज्ञाओं का पालन कर सकूं। जी हाँ, हमें भी परमेश्वर की हर आज्ञाओं का पालन करना है, तभी समझ की आत्मा जब हमें मिलती है तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए समझ की आत्मा को मांगे उससे। फिर है तीसरा है, भजन संहिता 119 का 125 पर यहां लिखा है, मैं तेरा दास हूं, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चेतौनियों को समझ सकूं। देखिए, यहां चेतौनियों का मतलब इंग्लिश में है टेस्टिमनीज, गवाहियां जो हैं उसकी गवाहियों को समझ सकूं। जी हाँ, वो क्या कह रहा है, कि प्रभु तू मुझे समझ दे
ताकि मैं तेरी गवाहियों को समझ सकूं और लोगों को बता सकूं और दिखा सकूं कि प्रभु ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं, कैसे अद्भुत काम किए हैं, किस तरीके से उसने न्याय किया है, किस तरीके से उसने मुझे बचाया है, किस तरीके से उसने मुझे सुरक्षित रखा है, किस तरीके से उसने मेरी सब जरूरतों को पूरा किया है। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के समझ की आत्मा से परिपूर्ण होंगे और हमारे जीवन में परमेश्वर की गवाहियां होंगी। देखिए यहां पर 3 पॉइंट है, व्यवस्था को पूरी मन से मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और उसकी गवाही देना। प्रकाशित वाक्य 19 के 10 में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 19:10, मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा, उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ योहन्ना जो है उसके ऊपर गिर पड़ा स्वर्गदूत के पैरों पे, वो कहता है अरे अरे मेरे पैरों पे मत गिर, हैं ऐसा मत कर, और वो कहता है कि प्रभु को तेरी गवाही प्रभु में स्थिर होनी चाहिए और परमेश्वर को ही दंडवत कर। और यहाँ पर वो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि यीशु की गवाही क्या है, यीशु की गवाही जो हमारी जीवन में है वो भविष्यवाणी की आत्मा। देखिए गवाही वो होनी चाहिए कि किस तरीके से परमेश्वर ने आपके जीवन को बचाया और किस तरीके से प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत काम किए हैं। ये नहीं है कि मैं बुखार में था तो मैं चर्च नहीं आ पा रहा था और मैं प्रभु से प्रार्थना करी, मैं ये नहीं, आपके जीवन में बड़े बड़े काम वो दिखाई देने चाहिए, वो लोगों को बताना चाहिए जिससे लोगों का उद्धार हो सके। ये बहुत सी बड़ी बड़ी गवाहियां जो होती हैं और प्रभु गवाही के कारण जो चेले थे उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, वो मर गए, मारे गए, काटे गए प्रभु की गवाही के लिए। हमें भी यही इसी बात के लिए तैयार होना है ताकि परमेश्वर के लिए तैयार रहें और वो समझ की आत्मा हमें समझदारी के साथ प्रभु के लिए मर जाने के लिए उत्साहित करे, समर्पित होने के लिए उत्साहित करे, बलिदान हम प्रभु के लिए हो जाएं। जब जैसा हमारा प्रभु हमारे लिए हुआ तो हम भी उसकी गवाही के लिए बलिदान हो जाए और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। चौथा पॉइंट है यहाँ पर जो दाऊद कहता है, भजन संहिता 119:144 है, यहाँ कहता तेरी चितौनियों सदा धर्ममय है, तू मुझे समझ दे कि मैं जीवित रहूं। देखिए अब क्या कहता है कि तेरी जो गवाहियां हैं वो क्या है, वो धर्ममय है। देखिए धार्मिक गवाहियां होनी चाहिए और कहता है मुझे समझ दे कि मैं सदा जीवित रहूं, यानी मुझे इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे प्रभु कि मैं तेरी समझ की आत्मा से परिपूर्ण होकर समझदारी के साथ इस दुनिया में जीवन को जी सकूं और मैं सदा जीवित रहूं। सदा जीवित के रहने का मतलब हमेशा हमेशा, यानी मरने के बाद भी इंसान जीवित रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि मरने के बाद भी इंसान जो है वो जीवित रहेगा। यहाँ लिखा है भजन संहिता 119:169 में बड़ी अच्छी बात लिखी है, हे यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। अब देखिए वो दुहाई दे रहा है, अब दुहाई किस बात के लिए दे रहा है? दुहाई इस बात के लिए नहीं दे रहा प्रभु मेरे लिए उसने बुरा करा, मेरे लिए ऐसा हो गया, मेरा इंसाफ कर, मेरा न्याय कर, हर समय रोने वाली नहीं। ये सब करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु देगा, मगर हर समय ये चीज नहीं। मगर यहाँ क्या कह रहा है, हे प्रभु मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। जब एक दुहाई जो होता है, जब किसी राजा के पास पहुंचती है, जब कोई किसी राजा को के लिए दुहाई देता है तो फिर उसका न्याय, उसका इंसाफ उस राजा के पास पहुंचता है। आप जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया तो आप ध्यान दीजिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया तो उसने जो था पिलातुस के सामने हेरोदेस राजा की दुहाई दी तो उसको हेरोदेस राजा के पास पहुंचाया गया। ऐसी जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जब हम देते हैं तो हम परमेश्वर के पास हमारी बात पहुंचाई जाती है, हम परमेश्वर के समक्ष पहुंचते हैं। और यहां क्या कह रहा है, जब उसने दाऊद ने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां जाकर उसने कहा प्रभु मुझे समझ दे, समझ की आत्मा से परिपूर्ण कर। जी हाँ, यही चीजें हैं इन बातों से, तभी तो परमेश्वर दाऊद के बारे में कहता है मेरे मन के मुताबिक मुझे एक शख्स मिल गया, मेरे मन के मुताबिक यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति जो था उसे मिल गया। क्यों? क्योंकि वो मांग क्या रहा है, वो दुनिया की भोग विलास की वस्तु को नहीं मांग रहा है, वो समझ को मांग रहा है कि मैं परमेश्वर की आत्मा की समझ से परिपूर्ण हो जाऊं और उस समझ की आत्मा के अनुसार इस दुनिया में अपना जीवन जी सकूं ताकि परमेश्वर के राज का वारिस हो सकूं, परमेश्वर को प्राप्त कर सकूं, परमेश्वर के राज को प्राप्त कर सकूं, परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर सकूं। यहां जो है फिर दाऊद जो है इन सब बातों को कहता है, फिर भजन संहिता में वो कहता है, भजन संहिता 49:3, मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें
समझ की होंगी। देखिए वो क्या कहता है, मेरे मुंह से जब समझ की आत्मा आ जाएगी, प्रभु तू समझ की आत्मा मुझे दे देगा। वो दुहाई दे रहा है, समझ की आत्मा मुझे दे दे ताकि मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकले और मेरे हृदय से समझ की बातें निकले। क्यों समझ की बातें निकलती हैं? क्योंकि हमारे अंदर समझ की आत्मा कार्य कर रही है। जिसके अंदर समझ की आत्मा कार्य नहीं कर रही है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर समझ की आत्मा नहीं है। इसीलिए मत्ती 25 के 4 पद में लिखा है, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जी हाँ, देखिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मगर यहां क्या लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि समझदारों ने, मत्ती 25 अध्याय को पढ़ेंगे, 10 कुआरियां थी। देखिए कुआरियां 10 थी, क्वारी का मतलब दसों अपने आप को पवित्र समझ रही थी, दसों को इंतजार था प्रभु यीशु मसीह के आने का, और दसों आधी रात में उंगने लगी, और जब आधी रात को धूम मची तो दसों जाग गई, और जब दसों जाग गई तो दसों अपनी मसाले जो हैं वो क्या करने लगी, तैयार करने लगी। परंतु जो समझदार थी उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भी लिया, यानी वो तेल का मतलब जो होता है वो आत्मा से होता है, वो आत्मा से परिपूर्ण थी, वो परमेश्वर की उस आत्मा के सातों गुण से परिपूर्ण थी और भरी हुई थी, और वो उस उनकी जो जीवन रूपी कुप्पी थी वो प्रज्वलित थी, वो जलती रहती थी, और इसलिए वो समझदारों में गिनी गई। 5 कुआरियां जीती और जो 5 समझदार थी वो परमेश्वर के राज में चली गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो ये संदेश दिया है मत्ती 25 अध्याय में जो दृष्टांत का है, हमें इन 5 समझदार कुआरियों की तरह बनना है, अपने तेल अपने जीवन रूपी कुप्पी में उस आत्मा रूपी तेल को भरे रहना है, उन आत्माओं के सातों गुणों से भरे रहना है, क्योंकि सातों गुणों आत्मा के वो सातों गुणों का कार्य अलग अलग है और परमेश्वर हमसे अलग अलग कार्य जो है हमारे जीवन से सिद्ध कराना चाहता है। तो आइए हम समझदार कुआरियों के समान समझ की आत्मा से परिपूर्ण हो सकें और परमेश्वर के राज के वारिस हो सकें, और सिर्फ हम ही नहीं, हम अपने जीवन को भी सबसे पहले बचाएं, फिर अपने परिवार के जीवन को, अपने बाल बच्चों को, अपने मोहल्ले पड़ोस को, अपने समाज को, अपने लोगों को परमेश्वर की इस समझ की आत्मा के नज़दीक लाएं, ताकि परमेश्वर इनको समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें और सब समझदार हो जाए, पूरी दुनिया समझदार हो जाए, और पूरी दुनिया जब समझदार हो जाए तो परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।